वो रंगशाला में मल्लशाला में पहुंची। कहते हैं वहां जो व्रजवासी मथुरापुर निवासी माताएं बहनें धर्म प्रेमी सज्जन थे, उन्होंने अपनी अपनी भावना के अनुसार भगवान कृष्ण का दर्शन किया। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जो माताएं बहनें थी, किसी को अपने शिशु के रूप में, किसी को अपने भाई के रूप में दिखाई देते हैं। जो पहलवान थे उन्हें वज्र करकश शरीरधारी महापहलवान दिखाई देते हैं। जो भक्त थे उन्हें भगवान के रूप में, जो योगी थे उन्हें परमात्मा के रूप में, जो ज्ञानी थे उन्हें ब्रह्म के रूप में दिखाई देते हैं। जिनकी जैसी भावना थी भगवान का, उनके अनुरूप उन्हें दर्शन होता है। इधर जब रक्त रंजित गजदंत कंधे में रखे हुए आगे बढ़े, कंस ने कहा, कंस को भगवान शत्रु के रूप में दिखाई देते हैं, क्योंकि वो द्वेष भाव से प्रभु का चिंतन कर रहा था। कंस ने कहा, ये कोई दोनों सामान्य बालक नहीं, इन्होंने धनुष को तोड़ दिया, इन्होंने कोलिया पीड़ हाथी को मार दिया, इनकी कुश्ती चाणूर और मुष्टिक के साथ होगी। जो प्रतिवासी वहां बैठे थे उन्होंने कहा, ये कहां अभी किशोर बालक, अभी 12-12 वर्ष के तो हैं। भगवान कृष्ण की आयु उस समय 11 वर्ष 54 दिन थी और लगभग उतनी उम्र बलराम जी की होगी। कहते हैं सभी ब्रजवासियों ने कहा, ये किशोर